अगर बात करें भारत के उस राज्य की जिसमें कोरोना से संक्रमित लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र राज्य की, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। महाराष्ट्र के खुलताबाद से खबर, जहां तालुके में ग्राम पंचायत पिंपरी के पुलिस पाटिल बाबूलाल मेहरा और ग्राम पंचायत के सरपंच विशाल मुराडे, इन्होंने हाल ही में औरंगाबाद शहर में कोरोना ग्रस्त की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ते हुए देखकर एक ठोस कदम उठाया है। अपने ही गांव में कोरोना बीमारी का फैलाव और ना बढ़ सके, इस वजह से इन्होंने एक कोरोना देखरेख समिति का गठन किया है। आज इस समिति गठन के सभी सदस्य पिंपरी गांव के सभी घरों में जाकर कोरोना बीमारी पर किस तरह से रोक लगानी है, इस बात को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। इस बारे में बताया गया कि फिलहाल औरंगाबाद शहर का माहौल कोरोना महामारी में भगदड़ मची हुई है और सभी के अंदर महाराष्ट्र में इतने सारे कोरोना संक्रमण के केस देखकर लोग भयभीत हैं। इसलिए कोरोना से बचाव हेतु लोगों ने घरों पर जाकर जागरूक करने का बीड़ा उठा लिया है। हर एक इंसान को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उनका कहना था कि सभी अपने घरों पर रहें, बिना आवश्यक कार्य के घर से बाहर ना निकलें। साथ ही साथ घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करना ना भूलें। इसमें उनका कहना था कि कहीं भी जाके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है और अपने गाँव में हर आने जाने वाले व्यक्ति पर एक कड़ी नजर रखनी होगी, जिससे कि उनके गाँव में कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। इस गठन में पिंपरी के पुलिस पाटिल बाबूलाल मेहरा, सरपंच विशाल मुराडे, ग्राम सेवक सौ मेसराम मठक, तालाठी एमएन मैडम, सोसाइटी चेयरमैन विठल सिंह, राधाबाई पोपट काकरावल सहित काफी भारी संख्या में लोग मौजूद थे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए आजिनाथ बारंगल की रिपोर्ट, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।